अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीटा थैलेसीमिया डिजीज़ के टॉपिक को कवर करेंगे। याद रखिए, थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है और ये टाइप है एनीमिया की। और एनीमिया का वर्ड डेफिनेटली आपने सुन रखा होगा, यूजली खून की कमी के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो एनीमिया RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी को बोलते हैं, यानी जब हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो इसके नतीजे में जो कंडीशन पैदा होती है उसे एनीमिया कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अल्फा थैलेसीमिया में बताई हुई हैं, जहाँ पर मैं ज़रा क्विकली गो थ्रू करूँगा और बीटा थैलेसीमिया के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, थैलेसीमिया एक जेनेटिक कंडीशन है। तो थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और आपको पता होगा हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है, राइट। सो जब रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन ठीक से प्रेजेंट नहीं होगी या माल फंक्शन फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एनीमिया के सिम्टम्स अपीयर होंगे। सो बीटा थैलेसीमिया क्या है? एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन माल फंक्शन हो जाती है या हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। सो इसकी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो बीटा थैलेसीमिया को समझने के लिए आपको हीमोग्लोबिन का पता होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन की जब आपको समझ आएगी तभी आप बीटा थैलेसीमिया को समझ पाएंगे। तो चलिए हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियिंग प्रोटीन होती है जो आपकी रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को लेकर जाना पूरी बॉडी की सेल्स तक, और सेल्स को जब ये ऑक्सीजन मिलती है तो सेल्स एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर आपके लंग्स तक आती है और लंग्स से बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो इसका मतलब है हीमोग्लोबिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन की सिंथेसिस ठीक से नहीं होगी तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाएगी, बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी, और इसके अलावा और भी सिम्टम्स अपीयर होंगे जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हीमोग्लोबिन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, हीम एंड ग्लोबिन चैन। हीम ग्रुप के अंदर आयरन और पायरोल रिंग्स शामिल हैं, और ग्लोबिन चैन की फर्दर चार टाइप्स होती हैं, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं अमीनो एसिड यानी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई ये चैन होती है। सो इस पर डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोबिन चैन्स कौन कौन सी होती हैं चार टाइप्स की। मैंने आपको बताया ग्लोबिन चैन चार टाइप्स की होती हैं। इनमें पहली ग्लोबिन चैन अल्फा ग्लोबिन चैन होती है, दूसरी बीटा ग्लोबिन चैन, बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, गैमा ग्लोबिन चैन तीसरी टाइप है, गैमा ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा ग्लोबिन चैन चौथी टाइप है। सो ये चार टाइप के ग्लोबिन चैन डिफरेंट कम्बिनेशन में मिलकर हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स बनाती हैं। यानी कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन चार टाइप की ग्लोबिन चैन से मिलकर बनी होती है, और ग्लोबिन चैन के सेंटर में क्या होता है? हीम ग्रुप मौजूद होता है। सो ये एक ग्लोबिन चैन है और एक हीम ग्रुप है। सो ये एक सब यूनिट आ गया, ये दूसरा सब यूनिट, तीसरा सब यूनिट, चार सब यूनिट मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ओके, अब ये जो ग्लोबिन चैन है इनकी डिफरेंट कम्बिनेशन की वजह से हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। लेट्स से ये टाइप की जो हीमोग्लोबिन है इसे देखते हैं, इसमें दो अल्फा चैन्स हैं और दो बीटा चैन्स हैं, और इस हीमोग्लोबिन को HbA यानी हीमोग्लोबिन एडल्ट कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है, 95-97% ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा एक और टाइप की हीमोग्लोबिन होती है जिसमें दो अल्फा चैन होती हैं, दो गैमा चैन होती हैं, ये फीटस के अंदर मौजूद होती है, इस वजह से इसे हीमोग्लोबिन F कहा जाता है। इसके अलावा एक और तीसरी टाइप है हीमोग्लोबिन की जिसमें दो अल्फा चैन है और दो डेल्टा चैन है। सो ये वाली जो हीमोग्लोबिन है इसे HbA2 कहा जाता है एडल्ट की, यानी सेकंड फॉर्म, ठीक है, और ये लेस अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। सो हमारा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंसर्न है बीटा ग्लोबिन चैन के साथ, और आपको पता है कि बीटा ग्लोबिन चैन जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है वहाँ पर ये बीटा चैन भी मौजूद होती है। सो ये आगे बीटा चैन यानी 95-97% जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए बीटा चैन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। सो जब भी हमारी बॉडी में ये बीटा हीमोग्लोबिन प्रोटीन या चैन ठीक से नहीं बन पाएगी तो ऐसी कंडीशन को बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन तो बन रही है लेकिन उसमें बीटा चैन नहीं बन रही, तो अब वो हीमोग्लोबिन किसी काम की नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को बीटा थैलेसीमिया कहा जाता है। इसके बरक्स अगर हम अल्फा चैन की बात करें, सो अगर अल्फा चैन के अंदर कोई मसला आता है तो ऐसी कंडीशन को अल्फा थैलेसीमिया कहा जाता है। तो ये आपने नाम से याद रखनी है ये चीज़ें कि अगर बीटा चैन के अंदर कोई खराबी है तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा, अगर अल्फा चैन के अंदर खराबी है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहा जाएगा। अब हम देखते हैं काज ऑफ बीटा थैलेसीमिया, यानी
थेरेपी की ये काज कैसे होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये जेनेटिक कंडीशन है, इसका मतलब है ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन को कोड करने के लिए क्रोमोसोम में कोई जीन मौजूद होगा। सो बीटा चैन को कोड करने के लिए क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन मौजूद होता है, और आपको पता है क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सो इसका मतलब है दो क्रोमोसोम 11 है, सो दोनों क्रोमोसोम पर एक एक जीन मौजूद होता है जो बीटा चैन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। सो ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसमें दोनों जीन्स हेल्दी जीन्स हैं, तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही है जिसमें बीटा चैन बिल्कुल हेल्दी है और रेड ब्लड सेल्स अच्छे से प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। बट बस कंडीशन में इन जीन्स के अंदर कुछ म्यूटेशंस हो सकती हैं, वो म्यूटेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, पॉइंट म्यूटेशन और डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस होती हैं। तकरीबन 200 से ज़्यादा म्यूटेशंस देखी गई हैं, और डिपेंड करता है कि म्यूटेशन किस लोकेशन पर हुई है, प्रोमोटर लोकेशन पर हुई है, स्प्लाइसिंग साइट के अंदर हुई है। तो इसकी बेसिस पर जो म्यूटेशन होती है वो दो टाइप की हो सकती है, यानी उसके नतीजे दो किस्म के निकल सकते हैं। एक नतीजा ये निकलता है कि ये जीन इस तरीके से फॉल्टी हुआ है कि इसने बीटा चैन की प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर दिया है, यानी बीटा चैन की प्रोडक्शन स्टिल हो रही है लेकिन वो स्लो हो रही है। और सेकंड टाइप की म्यूटेशन ऐसी हो सकती है कि ये वाला जो जीन है ये कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो चुका है और इससे बीटा चैन बिल्कुल नहीं बन पा रही। सो ये दो टाइप की म्यूटेशंस होती हैं, जिसमें एक टाइप में क्या होता है कि कम अमाउंट में बीटा चैन बन रही है और एक टाइप में बीटा चैन बिल्कुल ही नहीं बन रही, एब्सेंट हो रही है। ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर 11 का ये केस है। अब ये जो डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस हैं इसकी बेस पर हम देखते हैं कि थैलेसीमिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं। याद रखिए बीटा थैलेसीमिया की तीन टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप आ जाती है बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्रोमोसोम 11 का जब हम पेयर देखेंगे तो उसमें एक क्रोमोसोम पर हेल्दी जीन मौजूद होगा, दूसरे क्रोमोसोम पर फॉल्टी जीन मौजूद होगा। अब मैंने आपको बताया फॉल्टी जीन की दो टाइप्स हैं, एक रिड्यूस बीटा चैन है, यानी ये लेट्स से ये ग्रीन कलर में इस जीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है बीटा चैन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन कम अमाउंट में हो रही है। और सेकंड जो फॉल्टी जीन है उसमें क्या हो रहा है कि बीटा चैन की प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। सो इसे मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी ये जीन है जो यहाँ पर ब्लैक और ब्लू कलर में रिप्रेजेंट होगा। सो सिनारियो देखते हैं, एक हेल्दी क्रोमोसोम पर हेल्दी जीन है, सो हेल्दी क्रोमोसोम पर एक फॉल्टी जीन है, और ये फॉल्टी जीन कौन सा है, रिड्यूस बीटा चैन वाला है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ये हेल्दी जीन है और दूसरा बिल्कुल फॉल्टी जीन है जो कि बीटा चैन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करेगा। अब इन दोनों सिनारियो के अंदर जो कंडीशन पैदा होती है थैलेसीमिया की, उसे बीटा थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। माइनर इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई खास सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, ये सिम्टम लेस होती है। अब सिम्टम्स अपीयर क्यों नहीं होते, क्योंकि एक एक हेल्दी जीन है, ये हेल्दी जीन हेल्दी बीटा चैन की प्रोडक्शन कर रहा होता है, सो इनफ होती है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। क्लियर हो गया? ओके, अब हम नेक्स्ट सिनारियो में चलते हैं। नेक्स्ट सिनारियो ये है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है जिसमें ये रिड्यूस्ड बीटा चैन वाला जीन मौजूद है, जिसे हम फॉल्टी जीन ही बोलेंगे, तो दोनों क्रोमोसोम पर ये वाला जीन मौजूद है जो कि रिड्यूस्ड बीटा चैन की प्रोडक्शन कर रहा है। अब जब ये दोनों पर मौजूद होगा इसका मतलब ये है कि दोनों थोड़ी थोड़ी बीटा चैन की प्रोडक्शन करेंगे, सो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप नहीं होगा बट स्लो डाउन हो जाएगा। सो इस किस्म की कंडीशन को कहा जाएगा बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, और इसमें डेफिनेटली कुछ सिम्टम्स अपीयर होंगे बट वो माइनर होंगे, इतने ज़्यादा मेजर नहीं होंगे, यानी कि बॉडी में थकावट ज़्यादा होगी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी, एक्सरसाइज करते वक्त बहुत ज़्यादा सांस फूलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एक्सरसाइज के दौरान बॉडी को ज़्यादा, तो वो इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही क्योंकि हीमोग्लोबिन की तादाद कम है। अब तीसरी जो टाइप है ये बड़ी सीवियर टाइप होती है, इसमें दोनों के दोनों जीन्स कौन से हैं, बिल्कुल फॉल्टी हो चुके हैं, यानी कि ये वाला जीन है जिसने बीटा चैन की प्रोडक्शन नहीं करनी। अब जब ये कंडीशन हो जाती है, बीटा चैन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जो कंडीशन लगती है बीटा थैलेसीमिया की, उसे बीटा थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब बीटा थैलेसीमिया मेजर के अंदर सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको अगर याद हो तो अल्फा थैलेसीमिया के अंदर हमने देखा था जब चारों के चारों जीन्स फॉल्टी होते हैं तो इंडिविजुअल माँ के पेट के अंदर ही मर जाता है, बट बीटा थैलेसीमिया के दोनों जीन्स फॉल्टी होने की वजह से भी ये इंडिविजुअल पैदा होते हैं और ये जिंदा रहते हैं, अगर इन्हें ट्रीटमेंट दी जाए तो ये काफ़ी अर्से तक सर्वाइव करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि फीटस के अंदर जो हीमोग्लोबिन की टाइप होती है वो कौन सा होता है, HbF होता है, जिसमें दो अल्फा चैन है दो गैमा चैन है, राइट? यानी फीटस के अंदर, बेबी के अंदर अगर अल्फा चैन नहीं होगी तो डेफिनेटली फीटस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अगर बीटा चैन नहीं होगी तो फीटस सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की टाइप है उसमें बीटा एब्सेंट है, बीटा है ही नहीं, बीटा की जगह
गैमा चैन मौजूद होती है, इसी वजह से ये इंडिविजुअल बर्थ करते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन इनके अंदर डेफिनेटली तकरीबन 6 महीने के बाद सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तकरीबन 6 महीने तक जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है वो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, बनती रहती है, उसके बाद ये बंद होकर ये वाली हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाती है। तो जब ये बनेगी इसमें जब बीटा नहीं होगा तो सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। सो उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। याद रखिए सिम्टम्स डिफरेंट कंडीशन की बेस पर सवियर और माइनर हो सकते हैं, ठीक है, यानी कुछ इंडिविजुअल्स में सिम्टम्स इतने तेज नहीं होंगे, कुछ में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो सिम्टम्स में पहला सिम्टम हाइपोक्सिया आ जाता है। याद रखिए अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के सिम्टम्स लगभग बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, इसी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, डायग्नोसिस में इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है ताकि पता चले कौन सी थैलेसीमिया बीटा है या अल्फा है। ओके, सिम्टम्स में हाइपोक्सिया आ जाता है यानी ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, डेफिनेटली ये सिम्टम तो आना ही है, हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैसे कैरी होगी, सो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तेज तेज और छोटे छोटे सांस आने लगते हैं, फटीग थकावट होती है ऑक्सीजन की कमी वजह से, जॉन्डिस की शिकायत रहती है, पीला जरकान यानी कि बिलीरुबिन और डिफरेंट प्रोडक्ट जो आरबीसीज की ब्रेकडाउन के नतीजे में रिलीज होते हैं वो लिवर को इफेक्ट करते हैं, सो जॉन्डिस के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, रंग पीला पड़ जाता है। इसके अलावा आयरन की एक्युमुलेशन होती है यानी आयरन बॉडी स्टोर करना शुरू कर देती है ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन हो, जबकि ऐसा होता नहीं है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रही होती, सो आयरन की एक्युमुलेशन की वजह से बॉडी के अंदर थोड़ा ब्लूइश कलर भी आ जाता है और आयरन डेफिनेटली नुकसानदेह भी होता है। सो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हीमोलाइसिस देखने को मिलता है। हीमोलाइसिस होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल का मतलब ये है कि आपको पता है रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर बनते हैं, कौन सी, रेड बोन मैरो के अंदर। सो जब रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है तो अगर उन्हें हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन ना मिले, हीमोग्लोबिन ठीक तरीके से ना मिले तो वो आगे जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो बोन मैरो के अंदर ही उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अच्छा, जब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होती है तो बोन मैरो को मजीद सिग्नल मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाए, तो इस वजह से यहाँ पर रेड बोन मैरो की अमाउंट बढ़ती जाती है यानी बोन के अंदर रेड बोन मैरो इंक्रीज हो जाता है, बोन का साइज भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से बोन नाजुक भी हो जाती है। और बाज़ बोन्स ऐसी होती हैं जैसे फेस वगैरह की बोन बड़ी हो जाती है, ये वाला जबड़ी की बोन बड़ी हो जाती है तो चिपमंक की तरह उसका फेस हो जाता है यानी बाहर को थोड़ा सा निकला होता है। ओके, अब हीमोलाइसिस एक और जगह पर भी हो रही होती है यानी रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन एक और जगह पर भी होती है यानी बाज़ रेड ब्लड सेल्स बनकर निकल जाते हैं, वो जैसे ही स्प्लीन में जाते हैं वहाँ पर मैक्रोफेजेस वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, वो देखते हैं कि ये वाले रेड ब्लड सेल्स तो काम के नहीं है, तो स्प्लीन क्या करता है उन रेड ब्लड सेल्स को मारना शुरू कर देता है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा मकदार में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो प्रोड्यूस होकर स्प्लीन में जाते हैं तो स्प्लीन को ओवरलोड हो जाता है यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है जिसकी वजह से स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसके अलावा लिवर भी इनलार्ज हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया आयरन और बिलीरुबिन की एक्युमुलेशन की वजह से लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो लिवर भी बड़ा होता हुआ नजर आता है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के अंदर। सो इस कंडीशन को हेपेटोसिप्लिनोमेगाले कहा जाता है यानी लिवर और स्प्लीन का इनलार्ज हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं थैलेसीमिया के मरीजों के अंदर, चाहे वो अल्फा थैलेसीमिया के मरीज हों या बीटा थैलेसीमिया के मरीज हों। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें एचबी यानी हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है, रेड ब्लड सेल्स का लेवल देखा जाता है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है और रेड ब्लड सेल का लेवल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि थैलेसीमिया की डिजीज़ इस पेशेंट के अंदर हो सकती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन तो नहीं हो रही लेकिन रेड ब्लड सेल ज़्यादा से ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस ज़रूरत को पूरा किया जा सके, ऑक्सीजन की कमी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, तो ये वाला सिम्टम डायग्नोसिस किया जा सकता है। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम चेक किया जाता है जिसमें ब्लड सेल्स को देखा जाता है उनका वॉल्यूम ओवरऑल कितना है, उसमें रेड ब्लड सेल को अलग अलग भी देखा जाता है, कुछ सेल्स बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, सो डिफरेंट वॉल्यूम जब शो कर रहे होते हैं सेल तो इसका मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट्स को थैलेसीमिया हो सकता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनकी अमाउंट निकल के सामने आ जाती है। सो अगर लेट्स से बॉडी के अंदर HbA2 की अमाउंट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है थैलेसीमिया, क्योंकि ये वाली हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रही, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया की एक कंडीशन सिम्टम्स या डायग्नोसिस इस तरीके से भी की जाती है। सो जेनेटिक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है जिसमें पता चलता है कौन सा जीन इन्वॉल्व है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली माइनर सिम्टम को तो फूड वगैरह अच्छा देकर या इतना खास कुछ करने नहीं पड़ता, ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन मेजर थैलेसीमिया के बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है यानी खून दिया जाता है
ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन जब खून दिया जाता है तो उनके अंदर आयरन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, आयरन की ज्यादती हो जाती है बॉडी के अंदर। सो आयरन को कम करने के लिए आयरन क्लेशन थेरापी दी जाती है, जिसमें क्लेटिंग एजेंट्स होते हैं जो आयरन को पकड़ के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक और ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हेल्दी बोन मैरोज डाले जाते हैं बॉडी के अंदर। सो हेल्दी बोन मैरो क्या करते हैं, जिनके अंदर हेल्दी जीन होता है वो बोन मैरो क्या करते हैं, हेल्दी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करते हैं, बीटा ग्लोबिन की चैन की प्रोडक्शन करते हैं। सो इस तरीके से हीमोग्लोबिन सॉरी बीटा थैलेसीमिया को ट्रीट किया जाता है। सो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या स्टडी किया। बीटा थैलेसीमिया मैंने आपको बताया थैलेसीमिया क्या होती है, एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसके अंदर एनीमिया हम कह सकते हैं काज होता है, और एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी को बोलते हैं। थैलेसीमिया के अंदर स्पेसिफिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन को हमने देखा दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन चैन, चार हीम ग्रुप होते हैं और चार ग्लोबिन चैन मिलकर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा, ये जो ग्लोबिन चैन होती है मैंने आपको बताया चार टाइप की होती है, अल्फा ग्लोबिन चैन, बीटा ग्लोबिन चैन, गामा ग्लोबिन चैन एंड डेल्टा ग्लोबिन चैन। इन चारों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हीमोग्लोबिन की तीन टाइप्स बनती हैं, जिनमें एक टाइप HbA हीमोग्लोबिन एडल्ट जिसे कहा जाता है, उसमें दो अल्फा चैन दो बीटा ग्लोबिन चैन मौजूद होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में मौजूद होती है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप की हीमोग्लोबिन है उसमें दो अल्फा चैन दो गामा चैन होती है, और ये फीटस के अंदर ये हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। और जो थर्ड टाइप की हीमोग्लोबिन है जिसे HbA2 कहा जाता है, इसमें दो अल्फा दो डेल्टा चैन मौजूद होती हैं। फिर हमने काज की बात की, मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नंबर 11 पर बीटा चैन की फॉर्मेशन के लिए जीन मौजूद होता है। सो क्रोमोसोम 11 पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है, इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर दो जीन्स मौजूद हैं जो कि बीटा चैन की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इस जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, वो म्यूटेशन दो टाइप की हो सकती है, या तो रिड्यूस बीटा चैन की म्यूटेशन होगी, यानी कि बीटा चैन की प्रोडक्शन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, या प्रोडक्शन का प्रोसेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे इंडिविजुअल जीन के अंदर ऐसा जीन आ जाए जिसकी प्रोडक्शन का प्रोसेस स्लो है या प्रोडक्शन का प्रोसेस बिल्कुल इनकम्प्लीट है, और साथ में दूसरा हेल्दी जीन है, तो ऐसे इंडिविजुअल को बीटा थैलेसीमिया माइनर कहा जाता है। इनके अंदर कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता क्योंकि नॉर्मल जीन जो है बीटा ग्लोबिन को सिंथेसाइज कर रहा होता है, लेकिन ये कैरियर होते हैं जो डिजीज को आगे लेकर चल सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिक कंडीशन है। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है कि इंडिविजुअल के अंदर दोनों ऐसे जीन्स आते हैं जो फॉल्टी हैं, लेकिन फॉल्टी में कौन से हैं, रिड्यूस्ड यानी कम अमाउंट में ये बीटा ग्लोबिन की सिंथेसिस कर पाते हैं। सो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर जो कंडीशन पैदा होती है उसे बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहा जाता है, यानी माइनर सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जो थर्ड टाइप है उसमें मेजर सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इस वजह से इसे बीटा थैलेसीमिया मेजर कहा जाता है। इसमें दोनों फॉल्टी जीन्स होते हैं और बीटा ग्लोबिन चैन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। सो सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और सिम्टम्स और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को हमने डिटेल से देखा है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।